नमस्कार आपण पाहत आहे सिटी न्यूज सिटी चॅनल महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खूप मोठे बदल आले आहेत विधानसभेची निवडणूक जेव्हा झाली तेव्हा शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यामध्ये अशीच तडजोड अशी चर्चा आणि अशी चर्चे गुराड चालत राहिले आता शेवटचा टप्पा जेव्हा आला या चर्चेचा तेव्हा पक्षप्रमुख शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रामध्ये युती न करण्याचं धोरण जाहीर केलं आणि महाराष्ट्रामध्ये युतीचं जे राजकारण आहे ते ढळून निघालेलं आहे या युतीवर शिवसेनेच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीवरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची ही युती ठरणार होती आणि त्यानुसार ती लढत होणार होती ही युती जरी राज्यस्तरावरची असली तरी त्याचा परिणाम थेट ग्रामपंचायत पर्यंत होत असतो हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे सत्तेतला भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आज वेगवेगळ्या पद्धतीने लढणार आहे आणि एकमेकाच्या विरुद्ध लढणार आहे काय होणार याचा परिणाम अमरावती महानगरपालिकेमध्ये होणार परिणाम काय परिणाम होणार आहे यावर आम्ही चर्चा करणार आहोत आज माझ्यासोबत आम्ही सगळे दोघे जण या विषयावर चर्चा करतो चंदूजी आमच्या चॅनलचे संचालक आहेत प्रबंध संपादक आहेत आपण चर्चेला सुरुवात करूया चंदूजी पहिला परिणाम काय होईल आता थेट नाही जो ये आ, हुई युती नाही ये अपेक्षित था यानी कोई ऐसा लग नहीं रहा था युती हो जाएगी करके क्योंकि युति जब किए थे तो बहुत सारी चीज़ें संभावनाएं रहती है आपस में विचारों का आदान प्रदान रहता है एक समान विचार विचारधारा वाली पार्टी के हिसाब से थी। लेकिन बीजेपी को जब केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा बहुमत मैंडेट मिल गया तो जो छोटे सहयोगी दल थे उनके विचारों को वहां महत्व नहीं रह गया अभी हाल ही में देखो तो नोटबंदी में सहयोगी पार्टी तो बोला आपस के जो मंत्री थे उनसे भी सलाह मशवरा नहीं हुआ नोटबंदी के समय अकेले तीन लोगों का मिलकर डिसीजन था मोदी जी थे जेटली जी थे और अमित शाह थे इन तीनों का मिलकर डिसीजन हुआ उसका परिणाम कि सहयोगी दल ने जब ऑब्जेक्शन हमने देखा कि हमारे यहाँ के सांसद जो आनंद राव जी अर्सुल है वो इस बारे में निवेदन देने भी गए थे उनसे करने गए तो मोदी साहब ने उनकी सुने वहीं वही से एक शुरुआत हो गई थी कि आने वाले इलेक्शन में इसका परिणाम क्या उसी दिन लगा था कि शायद इस बार युति नहीं और ये जो थी सारी की सारी संभव कोशिश बहुत की गई कोशिश बहुत की कोशिश करते समय कहीं तो भी अक्सर हमने देखा है कि एक राजनीति पार्टी भी एक परिवार है और परिवार में भी अक्सर जो बड़ा होता है उससे हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और जिसके पास कुछ नहीं होता हम घर में भी देखते हैं हमारे घर में चार भाई है एक भाई को कुछ नहीं होता उसको हर चीज़ ऐसे ही ज़्यादा मिलता मिल जाती है घर के बड़े बुजुर्गों का भी उसके साथ प्रभाव रहता है छोटे को मान देते ठीक है नहीं भी होता ट्वेल्थ तो ज़्यादा ले ले तो ये जो बड़ेपन की भावना यहाँ बीजेपी ने दिखानी चाहिए थी महाराष्ट्र में कहीं पे भी युति करते थे वो वहां पे दिखाने से चुक गए। उनको लगा कि हम ही सब कुछ हम अकेले ही कर सकते किसी और सहयोगी की जरूरत नहीं और शिवसेना भी महाराष्ट्र में कोई ऐसा प्रभाव नहीं रखती कि उसकी दखल ना ले दखल नहीं ले बराबरी की पार्टी है पिछली बार भी जब दोनों की युति थी तो शिवसेना की सीटें जाती थी और शिवसेना का मुख्यमंत्री था इससे पहले जब नाइन्टी फाइव नाइन्टी में तो आज भी शिवसेना को ऐसा लगता है कि हम उनसे ऊपर है लेकिन जहां केंद्र सरकार के बाकी जो एक प्रवाह चलता है बीजेपी बीजेपी को लग गया कि हम बड़े बड़े दोनों दुनु, दोनों ने भी ये भाव रखना था कि हम बड़े दूसरे को सहयोग करें लेकिन राजनीति में अहम खुद के विचार और दूसरे क्या बोलेंगे ये सोचते बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं तो इसलिए युति की जो हुई है संभावित परिणाम थे ऐसे आ, बहुत आश्चर्य आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो दोनों लोग प्रिपेयर थे दोनों भी थे यहाँ पे भी हमने अमरावती में देखा कि सभी लोगों ने पूरे फॉर्म्स हर वार्ड के बुलाया कई लोगों को तो टिकट बांट दी गई कई लोग कमिटमेंट दे दिया ऐसी परिस्थिति में जब हो रही थी तो इनको भी पता था कि युति नहीं होने लेकिन एक फॉर्मिलिटी की भाई कोई मौका चुकना नहीं चाहिए कि भाई मैं आपके पास आया नहीं आप मेरे पास आया नहीं यदि ऐसा करते तो ऐसा ऐसे पछतावे हुए कोई जगह नहीं चाहिए इसलिए एक अधिकृत रूप से बैठक लेकर कई बैठक हुई अमरावती में हमने देखा कि कई आनंद आनंदराव जी अर्सूल के यहाँ पे कभी डॉक्टर सुनील देशमुख के यहाँ पे पोटे के यहाँ पे बहुत सारी बैठक और अमरावती में चाहते भी थे कि युति हो जाए क्योंकि पता है युति नहीं होने से नुकसान तय है अब नुकसान किसको होगा ये तो वक्त बताएगा आज की परिस्थिति में बीजेपी जिस प्रकार से प्रवाह से ऊपर से नीचे तक आ रही है ऊपर से नीचे ना केंद्र से लेके तो नीचे काम पहन हर जगह मोदी 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 का नाम चल रहा है कुछ डिसीजन जो है जनता के फेवर के है कुछ में जनता यदि नाराज भी है तो उसको प्रॉपर प्रस्तुत नहीं कर पाई तो ऐसे में युति की जो संभावना थी वो ऐसे ही होना ही था और रहा चुनाव पे परिणाम ये तो अब सीटों का तालमेल वापस कैसे होता है सभी जगह थी कि कुछ जगह युति होनी चाहिए हमारा तो विशेष था कि युति तो यहाँ होगी तो ये सीट अपने को थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी बीजेपी को लगता है यहाँ युति हो तो ये चीज तो वहाँ थोड़े से कमजोर प्रभाव है अब युति का फायदा किसको यहाँ मुझे नहीं लगता कि युति का फायदा अक्सर विपक्ष विपक्ष यदि बोला जाए तो कांग्रेस और बीजेपी और सेना छोड़ के जो दूसरी पार्टियाँ उनको लेकिन यहाँ पे वो पार्टियां बीजेपी और सेना से ज़्यादा बिखरी हुई है इसलिए युति टूटने का मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को नुकसान होगा जहाँ तक युति की बात है चंदु जी ये साझा सरकार तो बनी है इनकी फिर भी भाजपा चाहती है कि मुंबई की जो महानगर पालिका है जिसका एक बजट नेपाल से भी ज्यादा है उस महापालिका में मेरा शेयर ज्यादा हो बीजेपी का एक डिमांड शेयर की कि लड़ाई शुरू है हुई है की बात में छोटे हाँ, बड़े बड़े को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता छोटे को उससे ज्यादा देना पड़ता अब आज की तारीख में बीजेपी बड़ी पार्टी है सेना मांगती है

और वहां प्रकाश मेहता जैसे और आशीष सेलार जैसे बहुत बड़े लीडर भी है सरकार इनके तो निश्चित रूप से फर्क तो फिर पूरे चुनाव पे पढ़ना ही पड़ना है मुंबई में भी सुविधाएं जो दे सकते हैं उसके लेकिन फिर भी मुंबई की मुझे लगता है तक मैं मुंबई काफी बार गया मुंबई बाड़ा साहब के शिवसेना के नाम से आज सेना साहब को लोग वहाँ पूछते है मुंबई सुरक्षित है तो लोग कहते हैं सेना के कारण है सुरक्षित बिल्कुल बिल्कुल शिवसेना की एक अहम भूमिका है मुंबई के अंदर मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी शिवसेना है इसलिए भी शायद इसलिए भी शिवसेना इस बात को लेकर अभी एक सर्वे आया था बीच में कि 125 से ज्यादा शिवसेना ले रही है वहाँ पे सीट तो वो भी चाहते कि हम क्यों सौ वोट सौ सीट दे बीजेपी को सौ से वो साठ तक आ गए थे साठ देने को तैयार थे लेकिन मान नहीं रही थी बीजेपी वो तो होना ही था लेकिन उसका परिणाम केवल मुंबई के लिए रहेगा या फिर महाराष्ट्र के नहीं, आप ये पूरी, पूरी मेरे भी लड़के में अपनी ताकत दिखाएंगे आ, ऐसे भी हमने पहले भी देखा शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता कई बार शिवसेना छोड़ गए छगन भूजगढ़ हो गए राणे हो गए लेकिन जब भी शिवसेना छोड़ के गए शिवसेना को फर्क नहीं पड़ा शिवसेना का जो यदि आंकड़े का जादू हम देखें तो आंकड़ों में कहीं फर्क नहीं पड़ा सीटें उनकी उत्ती लीडर चले गए फिर दूसरे आगे जुड़ते गए दो बड़ा झटका थी, थी मुख्यमंत्री सेना का प्रभाव कहीं मुंबई में कम हुआ ऐसा लगता नहीं मुंबई के कारण ही शिवसेना ठीक है उसके कारण पूरे राज्य में पूरी पूरी शिवसेना फैली हुई आज ग्रामीण तक ग्राम पंचायत तक लोगों के घरों तक शिवसेना का नाम है ग्रामीण में काफी असर सेना का क्योंकि वहाँ सुरक्षा चाहिए लोगों को सुरक्षा किसी प्रकार से हो सकती गुंडों से हो सकती बदमाश से हो सकती धर्म की हो सकती इन सारी चीज़ों में शिव सैनिक हर जगह गली गली घर घर मिलता है ये का काम करती है तो ये प्रभाव जो मुंबई से चला ये सारे जगह असर हो हालांकि कई जगह स्थानीय लोगों की लीडरों की आज भी नीति कि भाई यदि युति हो जाए तो युति हो जाए इस ये भावना उसके पीछे नहीं कि हमारी सीटें ज्यादा आ जाएंगी बल्कि कि, कि जो बड़ा काम है वो बढ़ जाएगा लेकिन चंदू जी ये भी बात सही है कि शिवसेना भी क्यों चाहेंगी कि वो अपनी झोली में आने वाली सीट वो बीजेपी को दे दे नहीं ऐसा ऐसा हमको अभी लगता है कि लेकिन मुझे लगता है जगह सेटअप क्या लोकल लोकल सेटअप लोकल सेटअप यदि कहीं किसी को सीट नहीं मिली तो भाई नहीं मिली तो तेरे साथ में युति इस प्रकार से हो सकता है बात सौ वोट से आ सकती है तो वोटों का परसेंटेज उनका बढ़ता है ठीक है अमरावती में जैसे दावा किया साठ साठ पचास पचास सीटों का किस आधार पर किया मान्य पालक मंत्री जी ने किया है और उन्होंने किया बहुमत का पता है उनका आधार हो सकता है कुछ क्योंकि सत्तर सीटों से ज़्यादा तो सीटें ही खड़ी नहीं कर सकते अमरावती में सत्रह सीट उनको छोड़ देनी है कुछ गठबंधन के लिए छोड़ देनी है ऐसे व्यवस्था सत्तर में से यदि पच्चीस तीस परसेंट सीटें यदि आती भी है तो काफ़ी अच्छी सम्मानजनक स्थिति होती है शिवसेना भारतीय जनता पक्ष यांची युतीने झाली तर हे शिवसेनेसाठी फायदेशीर होऊ शकते याचं एक गणित आहे ते गणित आम्ही आता या भागात मांडणार आहोत त्याचं गणित असं आहे की शिवसेनेकडे आता एक मोठा रोल येणार आहे तो म्हणजे सरकार विरोधी जी काही शक्ती आहे ज्या काही इच्छा आहेत ज्या काही संघटना आहेत त्या सगळ्या शिवसेनेसोबत जुळू शकतात एक म्हणजे असं मनसही येऊ शकते सोबत स्थानिक पातळी येऊ शकते तसेच जे छोटे 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 जे गट आहेत म्हणजे प्रहार सारख्या संस्था असतील संघटना असतील हे सगळे जर शिवसेना सोबत घेते तर ता त्यांचे भाजप विरुद्ध इतर सगळे म्हणजे काँग्रेस आता पिक्चर मध्ये नाही राष्ट्रवादी सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेस की तो अभी चर्चा आहे काही पे की काँग्रेस मे आज देखील चेतन पवार काँग्रेस के बीएसपी मे चले गए दो पाच नगरसेवक और बीएसपी की राह अमरावती के मिलिंद बामर सरी के बीजेपी में चले गए और भी चार से पांच लोग बीजेपी की राह पर है पता नहीं दो दिन में घोषणाएं हो जाए कि बीजेपी में और लोगों का प्रवेश होगा कांग्रेस में आखिर में कौन बचेगा पता नहीं कांग्रेस की जो अभी वर्तमान स्थिति है मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम वाली लग रही है एक छोटा सा ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या शिवसेना के लिए ऐसी संभावित जो युति थी न होने के कारण फायदा हुआ या नुकसान दिख रहा है कि फायदा हो रहा है फायदा कैसा हो रहा है, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मित्र पुन्हा एकदा आपलं जोरदार स्वागत करतो आणि चुनावी दंगलमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना सहभागी करून घेतो खरं म्हणजे एकूण राजकारण ज्या पद्धतीचं आपल्यासमोर आणलं जातं तसं नसतं त्याच्यामगं फार मोठे गणित असतात माझ्याकडे एक वेगळं मा गणित आहे ते तुम्हाला आवडलं ते सांगा मला शिवसेना आणि भाजपा यांची युती नाही झाली तर याचा फायदा भाजपाला जास्त आणि शिवसेना त्यापेक्षा जास्त आहे खरं म्हणजे दोन्हीही पक्ष हे एका विचारधारेचे पक्ष आहे आणि राजकारणा भाषेत सांगायचं म्हणजे हे उजव्या पक्ष आहेत उजव्या विचारसरणीचे पक्ष आहेत त्यांच्याकडे हिंदुत्व नावाचा एक महत्वाचा मुद्दा आहे ज्याच्याशी ते दोघं जण कॉमन आहे संस्कृती सभ्यता परंपरा या विषयावर ते कॉमन आहेत धर्मनिरपेक्षांबद्दल दोघांची कन्सेप्ट बऱ्यापैकी सारखी आहे असं असतानाही हे दोन वेगवेगळे विचारधारेचे पक्ष नसताना एक विचारधारेचे पक्ष पण दोन आहेत तरीही ते एकमेकाशी आपसमध्ये लढत आहेत आणि याचा फायदा कुठेतरी काँग्रेस राष्ट्रवादी होईल असं लोकांना वाटतं पण तसं होत नसतं त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा एकत्र युती करतात हे लोक तेव्हा निश्चितपणे एक उमेदवार भाजपाचा राहिला की तो शिवसेनेचा जो उमेदवार असतो तो की त्याचं काम करत नाही आणि मग ती जी शिवसेनेची मतं असतात ती फुटून दुसऱ्याला मिळतात इकडे भाजपचा कॅन्डिडेट उभारल्यानंतर शिवसेनेची ही स्थिती आहे तर शिवसेनेचं राहिला हो की भाजपाला घरी बसून जातो आणि तो म्हणतो तो पाहत बसेल तो मतदानाला जातो दरम्यान भाजपची जी मतं आहे ती परंपरेने शिवसेनेला मिळत नाही आणि शिवसेनेची मतं शिवसेनेला आणि भाजपची मतं भाजपला ही ताकदीनं मिळवली तर या दोन्ही पक्षाचं वर्चस्व मोठं होऊ शकते आणि उद्याची पुन्हा विधानसभा लोकसभा ही निवडणूक ते सोबत लढू शकतात किंवा तसं वोटिंग होऊ शकते हे प्लॅनिंग असतं की एकदा वोटर बदलून टाकला जो वोटर कतरी पंजावर शिक्का मारत होता घड्याळ मध्ये शिक्का मारायला लागला तो धनुष्यबानंद कमळावर शिक्का मारायला लागला हे पक्ष पुन्हा एकत्र येतील सत्य निवडणुकीनंतर येतील पुन्हा कुठल्या तरी निवडणुकीत एकत्र येतील पुन्हा पंचवीस वर्षाले मैत्री सुरू आहे सोडतील धरतील आता विधानसभेत बघितलं आपण लोकसभेत एकत्र होते आणि लगेचच्या निवडणुकीत ते वेगवेगळे झाले हे करण्यामाग खरं म्हणजे जरी राजकारणी बोलत नसले ना तरी एक मोठं सत्य तुम्हाला मी सांगतो हे सत्य असं आहे की या यांचं कुठेतरी आतून एक सेटअप असतो आणि तो असतो विचारांचा मतांचा सेटअप जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात आहे की आम्हाला काँग्रेस मुक्त भारत पाहिजे त्यांनी असं नाही म्हटलं की महाराष्ट्रात मला शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र पाहिजे ते म्हणतात आहे की मला काँग्रेस मुक्त महाराष्ट्र पाहिजे देश पाहिजे आहे त्याचा दुसरा अर्थ असा आहे की मतदान करणारा जर तू कमळावर मतदान करतोय तर ठीक आहे नाहीतर तू धनुष्यबाणावर कर पण तू काँग्रेसकडे जाऊ नको हो आणि एकदा तुमची सवय तुटली एकदा इंदिरा गांधींकडे गाय वासरू होतं तर लोक गाय वासरू कोण उभा पाहायचं नाही गाय वासरू शिक्का मारायचं वासरू उभी होती नंतर पंजाब 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 पंजा चालत राहिला लोकांच्या भारतीय लोकांची जी मानसिकता आहे त्याचे ते आपण जे हो, गुलाम आहोत मानसिकतेचे चिन्हाचे गुलाम आहोत विचारांचे गुलाम नाही आहोत आपण त्याचा कुठंतरी या सगळ्या भूमिकेवर मोठा परिणाम असतो आपण थेट चंदूजींना विचारणार आहोत की अमरावती महापालिकेमध्ये अशी युती आता तुटल्याचं दुःख खरं कोणाला नाही आहे आपण बघताय सगळे सगळ्या चॅनल चॅनल युती तुटल्याचं दुःख नाही कारण सगळ्यांना माहिती होतं हे होणारच नाही आहे मग हे नाटक कसा असते चंद्रजी किंवा हे नाटक लागताय आप है सगर, 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 है। है। सगर, तो, का हो तो कार्यकर्ता में दुःख काही नाही अच्छा कार्यकर्ता में दुःख जितकी मिलेगा लेकिन यदि आप ऊपरी स्तर पर बोले तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी सबसे क्योंकि अब ऊपरी वाले लीडर को ज्यादा काम करना मेहनत बढ़ गई ना मेहनत बढ़ बढ़ जाएगी गए जो कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था <laughs> वो ज्यादा मेहनत में प्रॉफिट कमाना है अभी ज्यादा मेहनत तो व्यवसाय भी यदि व्यवसाय व्यवसाय के, के रूप में तो फैलाना और अक्सर ये युति और ये जो बिखरा होते आपने जैसे बोला इसमें फायदा कैसे फायदा ऐसा होता है कि एक इसको एक व्यवसाय के रूप में आपने लिए कि कई हमने देखे आप धीरू भाई मनी से यदि ले

तो दोनों ज्यादा लाने के चक्कर में तीसरा कौन टूपरा इसके तरफ हमको ज्यादा और चंदू जी जहां हम यहां से बोले भाजपा की टीका तो सोचती हमारी भी 25 क्यों नहीं आ सकती सेना यदि कल से दावा करें छब्बीस यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी को, को कोई सोचने को यही नहीं है कि हमारी कितनी आएंगी अब ये दोनों ही तय कि मेरी कितनी आएंगी और दूसरी बात क्या इसमें और एक बड़ी बात है आज भाजपा यदि शिवसेना से अलायंस कर लेती तो उनको तीस पैंतीस सीटें पैक हो जाती है उनकी बाकी दोनों को मिलकर यानी की बात चुनाव भी लड़ते हैं लोग तो अस्सी तो नहीं लड़ सकते थे सत्तर तक आ सकते थे शायद आ, सत्तर में तो लड़ी लेती थी, और तीस शिवसेना या फिर तो ट्वेंटी फाइव शिवसेना इससे ये नुकसान होता था कि भाजपा के जो बाकी वार्ड में मेंबर थे जहां भाजपा को पहुंचना है वहां भाजपा पोस्ट नहीं सकती थी जहां शिवसेना ही रहती थी और शिवसेना को भी वहां रुक कर रुकना पड़ता था जहां वो जा सकती है आज यदि समझिए कि एक अलग वार्ड में शिवसेना का कोई अच्छा कैंडिडेट है फिर भी वहां पे भाजपा का कैंडिडेट है तो उनको उनको हो होगी सीट वो तो नाराज होकर घर में बैठ जाता है पार्टी का काम रुक जाता है तो भाजपा के भी ऊपर से पॉलिसी ये कि जन जन तक भाजपा पहुंचे बिल्कुल अलायंस के थ्रू पहुंचने में तो अलायंस पहुंचा उसका बिल्कुल जिस कारण से कांग्रेस पूरी पार्टी डूबी कांग्रेस का पूरा जहां पूरा खट्टर कगार पे आ गई घटक पक्ष के कारण घटक पक्ष के कारण कांग्रेस उस व्यक्ति तक पहुंचने पे और घटक पक्ष ने पूरा पूरा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया इस बात का सबक मोदी जी ने लिया कि हमें यह नहीं करना हर जगह सीधा-सीधा भाजपा को ही पहुंचना क्योंकि जब केंद्र में 100 300 से ऊपर भाजपा की सीटें तो ग्रामीण में हर कोने तक भी आप देखें जिला परिषद भाजपा भाजपा का बैनर उन्होंने अब तो नगर अध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट करके कि भाजपा के डायरेक्ट वोट्स है अलायंस के वोट्स नहीं थी बाहर अलायंस है लेकिन नगर अध्यक्ष भी तो सीधे डायरेक्ट उसको अटैच कर लिया उन्होंने वोट यही धीरे धीरे चलते आने वाले समय में हो सकता है कि महापौर भी आपको डायरेक्ट चुनकर देना पड़े आगे हो सकता है कि महाराष्ट्र का सीएम आप डायरेक्ट चुनो और केंद्र का भी डायरेक्ट आए इस चीज़ की पूरा पूरा ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा युति नहीं करने के पीछे ये भी कि उनका खुद का अपना ठीक है ना भाजपा शिवसेना भी अपने इसमें रहेगी आपने जैसे बताया कि सेना को दो या वो भाजपा को दो देना एक विचारधारा को है दूसरी विचारधारा को कहीं ना कहीं इनको दबाना है पूरा का पूरा और उसमें कहां तक बहुत हद तक वो सफल होते जा रहे हैं नहीं सही बात तो यह है की आपने बहुत सही अंदाज पकड़ा है क्योंकि शिवसेना भी चाहती है शिवसेना ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा कि हमें मोदी ठीक लगते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हमें लेकिन कुछ नीतियों पे उनकी अलग अलग धारणा भी है और मोदी जिस विचारधारा से अपना संबंध बनाते हैं उसी विचारधारा को लेकर भी शिवसेना बहुत पॉजिटिव है आपने कहा कि अभी नगराध्यक्ष के चुनाव हुए और उसमें डायरेक्ट वो लोग सुनकर आए कल मेयर के होंगे ये भी संभवता है शायद सीएम का होगा और मुझे तो लगता है कभी कभार इस देश में प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट चुने जाएंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म चल रहा है पंद्रह साल की और गलत भी क्या है अब सोचिए इस बार साल कम से कम इस प्रोसेस को लगेंगे लगे उसके तैयारी शुरू कर दी चार का प्रभाव बना गलत भी इसलिए भी नहीं है कि ट्राम्प तो चुनकर आए ही ना अमेरिका जो सबसे बड़ी हमारी देश दुनिया की महासत्ता है वहां पर चुनाव पद्धति के अनुसार है हम पद्धति बदलते हैं तो उसमें नुकसान कुछ होता नहीं पहली बात और दूसरी बात तो है कि लोगों को यदि लगता है कि इतनी बड़ी मानसिकता हमारी यहाँ पे भ्रष्ट हो गई है भारतीय मानसिकता कहीं तो भी भ्रष्ट है इसलिए हमने इतने बड़े घोटाले और ये सबसे बातें देखी क्योंकि चुनकर तो इंसान ही जाता है आखिर वो एमपी करके तो जन्म नहीं लेता है उसकी जो भी संस्कार है जो भी विचार है वो चुनकर जाता है फिर वो राजा बनता है या फिर राम जयंती मालानी वो तो आगे की बात है फिर भी इस सिस्टम को कुछ तो भी लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो डायनेमिक वर्क कर दे जैसे बाया ठाकरे साहब थे जो जिन्होंने बहुत डायनेमिक वर्क कर दिया मोदी जी भी है और ऐसे लोगों को ऐसे लोग यानी अब्दुल कलाम जी के हम नाम ले सकते हैं ऐसे लोग आते हैं पॉलिटिक्स के अंदर और डायरेक्ट उनको चांस मिलता है जैसे आ, कलाम साहब को डायरेक्ट कोई को, किसी हाउस के मेंबर नहीं थे वो ना कोई राज्यपाल थे डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन गए तो डायरेक्ट तो हो गए ना तो ब्रम महाजन ने उनको डायरेक्ट कर लिया ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं क्योंकि मोदी जी चीफ मिनिस्टर भी डायरेक्ट बने प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट बने बाई इलेक्टेड प्रोसेज बने लेकिन बने तो क्या चंदू जी मुझे बताइए कि अब अमरावती महापालिका की ताजी खबर क्या है आपके पास ये युति न होने के कारण युति नहीं होने के कारण अभी सभी लोग जो है सेना और बीजेपी अपने ढंग से अपने काम में आज चंद्रकांत जी पाटिल भी शहर में थे तो अभी सभी जगह जहाँ जहां, -जहां युति नहीं हो भाजपा ही जा रही कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे फैले कैसे फैले कैसे अच्छे कैंडिडेट और भाजपा की है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है शिवसेना ने ये पॉलिसी नहीं अपनाई शिवसेना आज भी अपने कार्यकर्ता और अपने शिवसैनिक के प्रति ही आ, लायल है और शिवसेनिक शिवसेना के प्रति बीजेपी ने ये सिस्टम थोड़ी सी हट बीजेपी को तो जो चुन के आने वाला चेहरा चाहिए वो चाहिए भाजपा का कार्यकर्ता अली बजे वहाँ पे दबता है तो ठीक है उनको विनिंग चाहिए अभी क्योंकि आंकड़ा आंकड़ों का खेल बनना क्योंकि आंकड़ों से ही ऊपर की राजनीति चलती है आपके पास कितने भक्त है इससे नहीं आपने आंकड़ों में क्या हासिल किया भले चार लोगों को लड़ा के किया कैसे भी किया आपके पास नगर सेवक अमरावती में जब यहाँ के नगर सेवक बोलेंगे कि मेरे पास में चालीस नगर सेवक है वो किस प्रकार से चुन के भले चालीस में से बीस कांग्रेस से इम्पोर्ट किए हो कुछ सेना से इम्पोर्ट किए हो सेना वाले भी कुछ बीजेपी के राह पे रहे क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सत्ता की राजनीति करते हैं विचारों की राजनीति बहुत लोग कम करते हैं इसलिए सत्ता किसके तरफ है जैसे मिलिंद बाबा वाले भी बीजेपी में चले गया पहले भाजपा कांग्रेस में था उसके पहले भाजपा में था उसके पहले सेना में था तो ये ये सत्ता सत्ता के साथ साथ में रहे जहां रहे जहां हमेशा रही है तो सत्ता की राजनीति करनी इनको विचारों की राजनीति नहीं नी। और के पार्टी के पार्टी सत्ता की सत्ता राजनीति लेकर चुन के आने लायक है तो उसको भी आज पार्टी ने देखा कि विचारों की राजनीति हर कोई नहीं कर सकता हाँ ये नहीं कर रही लेकिन जैसा हम आगे के पार्टी के पंद्रह साल बाद की भी बात करें कि पंद्रह साल बाद भी पार्टी का क्या होगा लेकिन जो विचारों को लेकर जा रहा है जो ऐसे हमने अभी शुरुआत में चर्चा की कि दो एक विचारधारा वाली पार्टी आकर अपनी युति कर रही है जब विचारधारा चरा तो कौन है विचारधारा हम सब लोग मिलकर जो चुन के आए वही विचारधारा बनेगी यदि अभी चालीस नगर सेवक है उसमें से बाईस उस कांग्रेस की विचारधारा के आगे तो क्या अठारह लोग मैंने जहां तक बीजेपी को समझा है अच्छी तरह से उनके पास प्यादाओं की फौज रहती है और वजीर और राजे बहुत कम होते हैं वो ज़्यादा रखते नहीं प्यादे बहुत रखते हैं इसलिए भी भी जो भी उनका जो उनका अभी ट्रेडमार्क है कि जो चुनकर आएगा हम उसको इलेक्शन में खड़ा कर देंगे और उसको चुना चुन आएगा वो तो तो इससे विचारों का कोई नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं रहता उनके डायरेक्शन देने वाले ऊपर लोग बैठे हैं हर जगह

मुझे लगता है कि अभी तो वर्तमान में तो ये निश्चित रूप से आंकड़े प्राप्त कर लेंगे लेकिन कहीं भी जाके क्योंकि क्या होता है एक बार मुंह को खून लग गया तो उसी प्रकार से काम करता है वो भाजपा रहे कांग्रेस रहे तो आप ऐसे मुंह के खून लगे हुए व्यक्ति को आप यहाँ पे चुनाव में उतारोगे तो आप कैसे लायल रह सकते क्योंकि आपने उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी आवाज लगाई आज चुनके आने की बात करते हो यदि कल से राहुल गांधी को आप बीजेपी में ले लो कि भाई हमारा चुनके आ रहा है हमारा बीजेपी में हमको तो पार्टी बढ़े हमको तो हमारा ये बढ़ाना है तो लोको की क्या मनस्थिती रहेगी नाही राजणाचा खरं म्हणजे अर्थ असा आहे की राजकारण म्हणजे सत्तेचं कारण राजकारणी आता दोन भाग वेगळे केले पाहिजे एक विचारांचं राजकारण आणि सत्तेचं सत्ते राजकारण हे सगळेजण सत्य राजकारण करतात आता त्यांनी सांगितलंय चंद्रजींनी सांगितलं आपल्याला की कशा प्रकारचे आमचे नगरसेवक वेगवेगळ्या पक्षात जाऊन प्रत्येक ठिकाणी निवडून देतात पण या नगरसेवकांचं काय चुकतं खरं म्हणजे कोण निवडून देते तुम्ही आम्ही निवडून देतो ना नगरसेवक आम्हालाच विचार नकोय चंदूजी तुम्हाला सांगतो लोकांना असं वाटतं का की विचार आला पाहिजे निवडून मला आता अनेक भाजपचे आणि जुने संघाचे जनसंघाचे लोक भेटतात आणि मी बोलतो हो सगळ्यांशी किती निष्ठावंतांना यावेळेस तिकीट देतात आम्ही बघणार आहोत कारण त्यांना आता न्याय मिळालाच पाहिजे जे वर्षानुवर्षे बिचारांनी सत्रंजी उचलली त्यांनी पक्षाकडे काम केलं नाही मिळणार ना, ना, ना पूर्ण जागा माहीत आहे परंतु तुम्ही एक सत्तेमध्ये आल्यानंतर आज अडीच तीन वर्षानंतर जो निष्ठावंत आहे त्याचे अच्छे दिन आलेले नाही आहे आता अडसूळ साहेब येऊन गेले होते मध्यंतरी आमच्याशी बोलायला आणि अडसूळ साहेब म्हणाले की आम्ही सत्तेत आहोत की नाही आम्हाला कळतच एक नाही आहे आम्ही जेव्हा एकीकडे असं म्हणतो की आम्हाला लोकांचं भलं करायचं आहे परंतु ज्यांनी आजपर्यंत पक्षाचं भलं केलं पक्षासाठी ज्यांनी झिजले अशा लोकांना तिकीट आपण देणार आहोत की उलट मी असं बोललेलं आहे आणि अनेक वेळा हे सांगितलं आहे अनेकांशी बोलताना मी याच्या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगितलेलं की हीच वेळ आहे निष्ठावंतांना तिकीट द्यायची काँग्रेसमध्ये एक गोष्ट महत्वाची होती की वसंतराव साठेंचा मला किस्सा माहित आहे वसंतराव साठेंना वर्ध्यातून तिकीट द्यायचा हा निर्णय इंद्राजींनी जेव्हा घेतला तेव्हा लोकांनी जातीच्या कन्सेप्टमधून त्यांना विरोध केला परंतु इंद्राजींसमोर बोलायची ताकद नव्हती कोणाची ते तिकडे जायचे चिठ्ठी बनवून इकडे वापस द्यायची आणि इंद्राजींनी सांगितले की इथं नरसिंग उभे राहतील किंवा इथं वसंतराव साठे उभे राहतील उभे राहा आणि लोक निवडून द्यायचे इतकी लोकांची पक्ष श्रद्धा होती म्हणून गुलाब नबी आझाद वाशिम मधून निवडून आले होते फार मोठा विनोद आहे की आपणच सगळे मतदार त्याला जबाबदार खरं म्हणजे पक्ष जबाबदारच नव्हतो पण आम्ही किती निष्ठा व्हाव्या एखाद्या गोष्टीला आम्हीच लोकांना सबक शिकायला पाहिजे की काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री राहिलेला किंवा मंत्री राहिलेला रा माणूस काश्मीरचा नागरिक आपल्या मध्ये निवडून येतो आणि आम्ही सगळे बिनधास मतदान करत होतो नरसिंगराव तमिळ आंध्र प्रदेशचे परंतु रामटेक मधून आम्ही निवडून दिले परंतु आम्ही आमच्या माणसाला पाडतो आम्ही कुठेतरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाडलेलं आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे आम्ही राजकारणात सगळे लोक कच्चे पण या निवडणुकीमध्ये निष्ठावंतांना तिकीट मिळणार काय हा प्रश्न आहेच आणि त्या निष्ठावंतांसाठी आपण सगळे लढलोही पाहिजे कारण त्यांनी खऱ्या अर्थाने पक्ष उभा केला पक्षाला विजयी उमेदवार आहेत पण जर आज विजयाची ताकद भाजपच्या बाजूने आहे तर भाजपने या विषयाचा नक्की विचार केला पाहिजे करतील अशी आम्हाला पूर्ण खात्री आहे सोबत या निवडणुकीमध्ये एक वेगळी शक्ती आहे चंदूजी बोलणार आहे त्या विषयावर जेव्हा युती फुटली आणि काँग्रेस घरी झोपली अगदी राष्ट्रवादी काय करत आम्हाला माहित नाही कारण राष्ट्रवादीचे महत्वाचे नेते आता भाजपाच्या वाटेवर आहेत असं दोन दिवसापूर्वी छापून आलाय रवीजी राणा आले होते आमच्याकडे आणि रवीजी राणांना आम्ही विचारलं होतं की रवीजी श्रीमती नवनीतजी जाणार आहेत का मला असं वाटलं की कदाचित पंजाबच्या निवडणुकीपर्यंत लवकरच हे तिकडे जातील की काय दुसऱ्या <laughs> दुसऱ्याशी आणि मग मा कुठेतरी माध्यमामध्ये हे छापून आलं की सोमवारी रवी राणा मिसेस रवी राणा भाभीजी प्रवेश घेणार आहेत पन ऐसा कहीं नहीं है बहुत एक टेस्टिंग न्यूज होती का चंदू जी कहाँ संग तुम्हारा तो आप क्या बताएं अभी फिलहाल महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं महानगर पालिका के चुनाव में तो युवा स्वाभिमान महानगर पालिका में पूरी अभी सीटें खड़ी करने का उनका चल रहा है नवनीत अभी ये बीजेपी में चले जाती है तो बीजेपी का प्रचार करेगी युवा स्वाभिमान का ये थोड़ा सा पेश निर्माण हो जाएगा और जैसे हमने बताया कि रवि किसी से लेकिन भाजपा ने, ने इसका स्वागत किया नहीं है ऐसा लगता आपको लगता है नहीं नहीं भाजपा जैसा इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा को विनिंग कैंडिडेट चाहिए अच्छा विनिंग तो चाहिए चाहिए एक पॉपुलर चेहरा तो वो भाजपा एक्सेप्ट करेगी चाहे कितना विरोध हो पे कितना ही विरोध कर लो दूसरे लोग एक मुझे एक माधव जी बात समझ में आती है कि जब लोग बीजेपी के आप भी इसे भी मेरी बाहर भी चर्चा आप बोलते हैं बीजेपी की पूरी एक है लोग बीजेपी के प्रभाव में बीजेपी में प्रभाव होते तो व्यक्ति का चुनाव फिर विनिंग के नाम पे क्यों yes. क्यों विनिंग के नाम पे My, के नाम? वही, वही। क्यों वहां से मिलिंद बाबल को टिकट देते क्यों निरंदा बीजेपी की राह पड़ जाती क्यों चेतन पवार बीजेपी के राह पे जाके वापस फिर आता क्यों समय पे पार्टी बदलते क्यों ऐसा होता है मेरे दिमाग के बाहर की बात है कि क्यों समय पे और निश्चित रूप से यदि व्यक्तिगत व्यक्ति के आधार पर चुनाव है, तो है, है कोई महत्व नहीं बीजेपी के महत्व नहीं कांग्रेस की लहर का कांग्रेस यदि ऊपर नहीं भी है यदि यहाँ व्यक्ति आप खड़ा करोगे तो व्यक्ति चुन कर आएगा जैसे विरास इंगोले वहां खड़े रहेंगे आप दूसरा किसी को खड़ो कर तो चुन के आना ही आना है तो इस प्रकार में मुझे जो विचारधारा को विचारों की राजनीति हो नहीं व्यक्तिगत राजनीति ही कहीं ना कहीं महत्व रखती है अमरावती शहर में यदि हम पिछले इसके चुनाव चुनाव की की बात करें विधानसभा के की की, नहीं बीजेपी यदि सुनील देशमुख को टिकट देती तो क्या बीजेपी कामदार यहां से चुन के आता नहीं वो तो सुनील जी थे इसलिए भी चुनकर तो तो फिर कहा बीजेपी आई सुनील देशमुख चुन के आया बात मैं वही हर बार आपसे मेरी ये होती है कि भाई जब व्यक्तिगत बातें तो क्यों फिर पार्टी की तरफ लोग इतना होते फॉर्म पचास पचास एक एक से उठाते कि नहीं बीजेपी की टिकट मिल जाए हमने तो कई खबरें पचास पचास लाख रुपए लोग लेके तैयार बैठे कि बीजेपी की टिकट दे दो क्यों क्या है इतना चंदू जी आपने बहुत सही कहा लेकिन मेरा विश्लेषण थोड़ा अलग है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा अंतर रखता है इससे अभी कांग्रेस की जो हालत यानी कांग्रेस की जो परिस्थिति एक जमाने में थी इंदिरा जी के जमाने में थी उसके बाद राजू जी के जमाने मांगे कि कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे किसी को भी लग लग लगे। लगे तो वो चुनकर आना था सोनिया तो तो जी आई और आएसा 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 आएसा। लेकिन अभी ये विदर्भ के हमारे आसपास के तीनों क्षेत्र हम बता रहे पूरे भारत में भारत में आपको यहाँ का है इसलिए पता है पता नहीं साउथ में जाके किधर ही यहाँ महाराष्ट्र का भी जाके चुनके के लाया होगा वो इंदिरा जी थी इंदिरा जी थी लेकिन बात हमने बाद में कहीं हमारे वो ताकत अभी बीजेपी की बननी की है कि बीजेपी चाहती है कि मैं इसको खड़ा करूं और ये चुनकर आएगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी वो ताकत बीजेपी के अंदर आने की है वो वक्त भी आने का है कि लोग बीजेपी का कैंडिडेट लेकिन ये भी सच है कि एक नेम पार्टी है जो पूरे ताकत के साथ एक्टिव पार्टी है अभी फिलहाल मैं उसका शब्द प्रयोग नया करना चाहता हूं ये नहीं कि विनिंग पार्टी है वो बहुत एक्टिव पार्टी है उसके बहुत सारे लीडर्स अपने अपने अच्छा काम कर रहे हैं बहुत, बहुत सालों से से बहुत सालों सेक्रीफाइस किया अब यदि कुछ मिल रहा है सब लोग एक्टिव हो गए और सत्ता का जो केंद्र है वो भी बहुत एक्टिव है वो उनके सीएम जो है भाजपा से है। वो एक्टिव सीएम है ये नहीं कि हमारे सीएम दस दिन कहा गए पता नहीं हमें एक जमाना था हमारे मिनिस्टर साहब कहाँ गए हमें पता नहीं था हमारे एमपी तो दो दो तीन तीन साल दिखते नहीं थे बाहर बोर्ड लगा रहते थे दिल्ली में बैठे बताते थे वो कश्मीर महाराष्ट्र की राजनीति वापस कांग्रेस के पीछे जाए तो मुख्यमंत्री बता देना पता नहीं होता रात को चिट्ठी आती थी केंद्रीय मंत्री आए यहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ ले लेता था हाँ अभी तो ये भारत का बीजेपी के अंदर ये हवा नहीं है कि भैया फडनवीस साहब को बदल रहे हर इलेक्शन में कांग्रेस वालों के सामने एक सवाल आता था मंत्री कौन चेहरा कौन चीफ मिनिस्टर बदलेगा कि नहीं हर दो चार दिन का खबर आती थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली ला अचानक गले यानी इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई कोई भी कान में कुछ बता रहा है और वो ये नहीं ये भी दूसरा भी सोचो ना कांग्रेस का उस समय सीएम के पद बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग थे सीएम के लायक लेकिन तो साहब ये भी सोचो ना थोड़ा अच्छा भी अनुशासन बहुत अच्छा है बीजेपी का उन्होंने सीएम को बहुत बड़ा सपोर्ट कर दिया है और सीएम भी बहुत एक्टिव सीएम है उनको भी अपना करियर है नहीं इसमें माधव जी आप यदि इसमें सीखते हो तो सारा का सारा जो आज बीजेपी ने सीखा है सारा का सारा कांग्रेस से सीखा हुआ है कांग्रेस लिए एक बहुत बड़ी गुरु के रूप में सामने है। जो जो कारण कांग्रेस के पास में होते गए इंदिरा गांधी के काल से बोलो उसके यहाँ तक आप राहुल गांधी तक के महाराष्ट्र के सीएम के लिस्ट बोलो हर जगह के बोलो जो इन्होंने अपने काम किया जैसे यू की की सरकार सब सरकार सरकार सब अलायंस अलायंस वाली वाली क्या तकलीफ इनकी पूरी एक स्टडी उन्होंने क्योंकि के साथ में क्या ठीक है कि पूरा मैंडेट मिल गया तो पूरे भारत वर्ष में कहीं अलायंस नहीं करना ऐसी घोषणा भी कर ली शायद मुझे लगता है आगे भी कहीं पार्टी अलायंस किसी से करेंगे नहीं सब जगह अकेले करेंगे क्योंकि उनको यदि वहां पार्टी उनकी हारती हुई बीजेपी का कार्यकर्ता वोट बैंक तैयार होता है चंदू जी ये सत्ता में है तो सत्ता में रहने के बाद उन्होंने जनमानस में एक अच्छी प्रतिमा भी बना ली तीन साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल के गवर्नमेंट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे अब ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसके कारण सरकार अड़चन में आ गई जैसे आरोप थे खर्चे साहब पे बाहर जिन पे पर ज्यादा आरोप थे उनको बाहर करने के कारण आरोपों की संख्या कम हो गई है पंकजा मुंडे पे आरोप था उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी तो निश्चित रूप अभी सीएम पर या फिर मोदी साहब पर दोनों ही मुखिया है एक भी आरोप नहीं है ये सबसे बड़ी उनकी बहुत कम समय हुआ अभी आरोप पता करना निकालना उसको करना कांग्रेस के आरोप निकालने को साठ साल लगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आरोपी की राजनीति क्या होती है क्यों लोग आरोप लगाते हैं क्या आरोप से हासिल होता है एक छोटे से ब्रेक के बाद माधव जी के साथ पुनः वापस आते हैं नमस्कार सिटी न्यूज में पुनः आपका स्वागत है बात चल रही कि आरोपों की राजनीति कैसे होती है और क्या फायदा होता है आरोपों की राजनीति करते करते अमरावती में भी यदि आरोपों की राजनीति पे यदि विचार किया जाए तो अमरावती में गोल्डन गैंग नाम की गैंग का डिक्लेरेशन हमारे माननीय सुनील जी ने किया कि गोल्डन गैंग को नेस्तनाबूत कर देंगे यानी गोल्डन गैंग को खत्म कर देंगे गोल्डन गैंग नाम की कोई गैंग रहेंगी गोल्डन गैंग

हमने उसका मतलब यह निकाल दिया कि गोल्डन गैंग के सारे जो वो हार जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है मुझे मतलब ऐसा नहीं था देशमुख साहब गैंग के लोग कुछ बीजेपी की राह पे थे तो उनको गलत फहमी हो गई कि हमको बीजेपी में अब लेंगे नहीं जैसे चेतन पवार को बीजेपी में जाना था लेकिन वो बीएसपी में चले गए बहुत बड़ी एक खबर है चेतन पवार हमने पहले बताया कि बीएसपी में चले गए बीएसपी की ताकत पिछली बार शायद सीटें थी चे. से अभी निश्चित रूप से एक पावरफुल नेता महानगर पालिका के अंतर्गत काम करने वाले एक व्यक्ति और उसके साथ में मुझे लगता है कि चेतन पवार से जो नजदीकी रखने वाले से तीन चार से पांच लोगों की ओर बीएसपी के तरफ जाने की खबर है शायद एक दो दिन में घोषणा हो जाए बीएसपी में प्रवेश की तो शायद बीएसपी को एक बड़ा यहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा Uh, हो सकता सारे के सारे हो कांग्रेस के प्रभावी क्षेत्र से ही हो कांग्रेस से प्रभावी क्षेत्र कांग्रेस की प्रभावी क्षेत्र कांग्रेस मान के चली कि पहले 20-22, 25 सीट आती है अब खुद ने कांग्रेस ने मान लिया कि 12 से 13 सीट तक हम सिमट के ले जा रहे हैं शायद वो बारह से 13 का आंकड़ा भी कम होने जा रहा है माधव जी एक बड़ी संख्या में बी के तरफ एक ऐसे संगठन तरह के जो एक छोटा सा कैडर बेड उनका कैडर बहुत है कैडर वोट है जो संगठन के नाम पर ही काम करता उनको कभी पद की भी लालच नहीं होती आपने तो जैसे भी भाजपा के और संगठन के लोगों को पद की लालसा है इनको पद की लालसा पर नहीं ऐसे वोट बैंक यहाँ पर और ऐसे लोगों के बीच में बीएसपी का प्रभाव बढ़ना क्या आपको लगता नहीं कि है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लिए घातक है बी का प्रभाव बढ़ना राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है साबित लेकिन फिलहाल अमरावती के अंदर ये पोजीशन बन सकती है कि पिछले बार छे उनके नगर सेवक आ गए थे चुनाव पार्षद चुनकर आए इस साल थोड़े ज्यादा आ सकते हैं बारह भी हो सकते हैं ये जो कमिया आगे है ये जो खामियां बाकी पार्टियों के अंदर आई है कांग्रेस क्यों सोई है पता नहीं कांग्रेस डिप्रेशन में क्यों चलेगी ये पता नहीं या फिर कांग्रेस ही से हम बात करते उनका एक बहुत बड़ा एक छोटा सा एक बहुत बड़ी आवाज है और प्लानिंग बहुत छोटा है वो कहते हैं कि हम वहां खड़े रहेंगे जहां चुनकर आएंगे ये तो नया फॉर्मूला लग रहा है चुनकर आने की बात कर रहे हैं लेकिन हम लड़ेंगे नहीं हम डायरेक्ट चुनकर आएंगे लेकिन आपको पार्टी के हिसाब से कुछ लड़ना चाहिए या फिर आपको बारह की अपेक्षा होंगी और हम छह पे चुनकर आने की संभावना लगे तो हम छे ही लड़ेंगे हाँ। बारह नहीं, नहीं लड़ेंगे अभी नहीं, अभी नहीं अभी, नहीं कोई संभावना बात अमरावती की नहीं थी महाराष्ट्र से भी आप अशोक चौहान की भी बात करें तो कहीं पर महाराष्ट्र में उसको पता है कि हम बीजेपी के सामने भी टिक नहीं पाते तो चलो लड़ो ही मत लड़ो ही मत और लड़, न लड़ने, लड़ने के कारण ही ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सोचिए यदि कल बीएसपी पास साथ एमआईएम उसके साथ आ, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग समाजवादी समाजवादी ये छोटे छोटे टपके की भी जो पार्टीज है ये दो दो तीन तीन चार चार से भी सीटें लेती है और फिर शिवसेना सीट लेती है तो भाजपा वर्सेस सब और आखिरी में कांग्रेस और शायद राष्ट्रवादी कहीं हो ना हो मुझे पता नहीं उनका कोई ठिकाना भी है तो पता नहीं तो ये हालत हो सकती है तो छोटे छोटे जो गए अभी बात कर रहे थे कि इसका फायदा शिवसेना को होगा शिवसेना अंदरूनी सबसे टाइप कर सकती है उनको यदि बीजेपी से टाइप नहीं करना है तो ये छोटे 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 दलों को, चोटे -चोटे दलो को अपने दो साथ दो ले सकती है क्योंकि बी का जो वोटर है वो कई जगह अल्पसंख्यक है कई जगह वो अनुसूचित जाति से है और अनुसूचित जमाती से जिनको एमआईएम को वोटिंग नहीं करना है वो लोग बीएसपी को वोटिंग कर सकते चंदू जी और कांग्रेस यदि सो सो रही है या आईपी जागेंगे नहीं ये पता चला तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अल्प समुदाय भी अल्पसंख्याक समुदाय वोटिंग नहीं करेगा नहीं मुझे लगता है अल्पसंख्यक समुदाय भी किसी और राह पर जा सकता क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसके एक स्कोप चाहिए उसको कि मैं नगर सेवक बन के क्या करूंगा नगर सेवक बन के एक अकेले नगर सेवक करके बड़ी पार्टी तो शायद हो सकता है बाद में 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 वो डिप्रेशन में चल जाए जैसे केंद्र कांग्रेस सरकार है छोटी सी संख्या लेकर बैठी है उनको ना विपक्ष का पद हासिल है ना तो ऐसी अवस्था उनको भी लग रहा है कि यहाँ हो सकती तो एक नहीं लड़ने का जो मन बना ये निश्चित रूप से आगे बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात है यदि आज कांग्रेस शहर में पूरे प्रचार और इसके साथ में नहीं होते भले चाहे वो हारे सब जगह लेकिन उसे कैंडिडेट खड़ा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे यदि आपका कांग्रेस का वोट बैंक और कांग्रेस के कार्यकर्ता खत्म होते तो आने वाले समय में हो सकता कि कांग्रेस नाम की जो चीज है वो थी में आ जाए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ठीक है कि पार्टी का चुनाव में कुछ यश नहीं मिल रहा है पराजित हो रही है तो ठीक है लेकिन कांग्रेसी लीडर उनके पार्षद पराजित कर पराजित, पराजित हाँ, तो मैं, मैं इसलिए मैदान में ही नहीं जाना ये बात हाँ, है। उसके बाद हाँ, मैदान तो छोड़ दिया मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए हाँ, ये, ये ये उससे भी बेकार स्कोप नहीं है ना कि जो जो अच्छे लोग थे वो सारे सारे पार्टी छोड़ रहे कुछ बीबीजेपी में चल जा रहा है कुछ बीएसपी में चल जा रहा है कुछ अभी एम में भी जाने की खबर आ रही है बिल्कुल तो ये सारे यदि जो इतने सालों से करीब सवा सौ सालों का कांग्रेस का इतिहास रहा है इतने सालों की विचारधारा कांग्रेस पार्टी ने एक विचारधारा विचारधारा खत्म नहीं होती लेकिन उसको मानने वाला उसको चलाने वाला ही नहीं रहे तो सुनने वाला कौन रहेगा माधव जी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यदि कांग्रेस ने आज भी सबक नहीं लिया आज भी यदि नहीं संभलती है वो आज भी यदि डटकर मुकाबला चाहे हारे क्यों नहीं लेकिन मुकाबला डटकर होना चाहिए आज मुकाबले में भी कांग्रेस पीछे हट रही है निश्चित रूप से बहुत बड़े नुकसान का कारण आगे हो सकता है इसलिए इलेक्शन में हम बात करते थे हम भाजपा की और पूछते थे कि भाजपा की लीडरशिप कहां है चंदू जी और मैं बहुत बड़े बार बहुत एपिसोड में सवाल करके सवाल पूछते थे कि भाजपा की लीडरशिप कहां है पता ही नहीं था कि पांच साल में सवा सौ साल की पार्टी ये सवाल हमारे सामने खड़ा कर देंगी कि कांग्रेस की लीडरशिप कहां है आप देखते ये चुनावी दंगल कहाँ है कांग्रेस की लीडरशिप